नमस्कार और आप देख रहे हैं WWE न्यूज हिंदी चैनल। तो गाइज इस वीडियो में बात करेंगे रोमन रेंस वर्सेस ब्रोक लेसनर के बीच स्टील केज मैच में हुए बड़े धोखे को लेकर और उसके बाद फैंस द्वारा दी गई सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की। जैसा कि ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल अभी खत्म हो चुके हैं और इस इवेंट में सबसे बड़ा सिंगल्स मैच रोमन रेंस और ब्रोक लेसनर के बीच हुआ स्टील केज मैच था और मैच काफी ज्यादा शानदार और धमाकेदार था और इस मैच को 5 स्टार मिलने चाहिए, लेकिन मैच के अंत में जो WWE ने रिजल्ट दिया वह काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा था कि यहाँ पर जीत रोमन रेंस की हुई है, लेकिन वहाँ पे अनाउंसर ने ब्रोक लेसनर को विजेता घोषित किया। दरअसल मैच के अंत में ब्रोक लेसनर स्टील केज के पास खड़े थे और वहीं रोमन रेंस ने उनको स्पीयर मारी, जिसके चलते स्टील केज का एक हिस्सा टूट गया और दोनों ही सुपरस्टार्स रिंग के बाहर गिर गए। और वहीं रोमन रेंस का पैर पहले ग्राउंड से टच हुआ और वह ग्राउंड पर पहले गिरे और उस हिसाब से रोमन रेंस की वहां पर जीत हुई, जिसके बाद अनाउंसर ने ब्रोक लेसनर को विजेता घोषित कर दिया। यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि स्क्रिप्ट के हिसाब से ब्रोक लेसनर को विजेता पहले से घोषित कर दिया था, लेकिन यहां पर रोमन रेंस या ब्रोक लेसनर दोनों में से किसी एक सुपरस्टार से गिरने में गलती हो गई। लेकिन कुछ भी हो, जीत रोमन रेंस की हुई थी और WWE की इस बड़ी गलती के बाद फैंस ने रोमन रेंस का साथ दिया और ट्विटर पर रोमन रेंस के लिए काफ़ी सारी पोस्ट डाली। वहां पर राउडी रोंडा राउजी ने पोस्ट डाली कि रोमन रेंस पहले ग्राउंड पर गिरे और उनके पैर पहले टच हुए थे और इसी वजह से टाइटल उनको मिलना चाहिए। और वहीं अंजलि रोमन एम्पायर ने लिखा कि ये जीत तुम्हारी है और रोमन तुमने अच्छा काम किया। वहीं ब्लेज हंटर ने लिखा कि रोमन रेंस को न्याय मिलना चाहिए और उनका पैर जमीन पर पहले टच हुआ था। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो।